हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह मस्त उठ गया हूँ आज जल्दी। मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि उठने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये जबरदस्ती उठा हूँ। लेकिन उठना तो पड़ेगा, चाहे जबरदस्ती उठूँ चाहे जैसे उठूँ। तो अभी तो 6:05 हो रहा है। मस्त मैं अपना हॉट वाटर ले आया हूँ और इसमें थोड़ा सा बहुत हल्का सा हनी डाल लिया हूँ। ये पी के मैं निकलता हूँ थोड़ा वॉक पे, कम से कम 3.5-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर वॉक करके फिर आता हूँ। फिर बाबू को उठाता हूँ, फिर ये पूरा दिन का स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप कि इतना सुबह उठा हूँ, सुबह अच्छी चीज़ करने जा रहा हूँ, तो दिन भी वैसे ही अच्छा आ जाए। तो चलिए फटाफट पी के मैं निकलता हूँ वॉक पे अपने। बैक टू होम नाउ। और आज ये 4 4 किलोमीटर का वॉक किया है, जो 31 मिनट्स लगा है। तो 4 किलोमीटर का वॉक हुआ है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक भी हुआ है, थोड़ा जॉग भी किया है, बट अभी वॉक करने में ही हालत ख़राब हो रही है। इतने दिन बाद मैं कर रहा हूँ, 4 किलोमीटर में ही हालत ख़राब हो जा रही है। तो अभी रनिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अभी कम से कम मुझे 15-20 दिन ऐसे वॉक करना पड़ेगा, ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा, हल्का जॉग करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं रनिंग स्टार्ट कर पाऊँगा। तो अभी मैंने 4 किलोमीटर 31 मिनट्स में किया है, जबकि ये मेरा रहता था 5 किलोमीटर रनिंग 32-33 मिनट्स में होता था। तो अभी थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ, बट हो जाएगा धीरे धीरे। सुबह उठ रहा हूँ, वॉक पे जाऊँगा, अच्छा खाऊंगा तो स्टेमिना अपने आप आ जाएगा। तो अभी जस्ट मैं घर आया हूँ, थोड़ा हैंड वॉश करता हूँ, उसके बाद चलता हूँ विवान के पास लेटने, और उसको ऐसे लेट के ही उठाता हूँ। तो चलिए उठाते हैं उसे। ये उठ गया विवान। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई विवान की। उठ गए अच्छे बच्चों की तरह। अब विवान के इनके अम्पा से, चाचा से, दादी से इनसे बात कराते हैं। मैं फ़ोन लगाता हूँ, उनसे बात कराता हूँ। बाबू रेडी हो गया, विवान को रेडी कर दिया फुल। आज कैजुअल है, स्कूल ड्रेस नहीं है, क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है। मंथ के लास्ट डे में जितने भी बच्चों का उस मंथ में, करंट मंथ में बर्थडे रहता है, उसका सेलिब्रेशन किया जाता है। केक तो शायद नहीं कट करते हैं, बट जो भी हैप्पी बर्थडे चैंट जो भी रहता है वो करते हैं, चॉकलेट से जो भी होता होगा, मुझे पता नहीं क्या है। इससे अब आज आके पूछेंगे क्या क्या हुआ। तो हर बार हर महीने अलग अलग चीज़ बताता है, तो आज पूछते हैं क्या हुआ। तो और ब्रेकफास्ट में आज विवान क्योंकि दूध फट गया है, तो ये वाटरमेलन खिलाने जा रहे हैं, तो ऐसे ही ये खाता है, स्पून से भी इसको खिलाते हैं। तो चले वाटरमेलन खाएं। 1 2 3 रेडी एंड गो। 1 2 3 एंड 4 5। 4 5 गो। चलो रेडी हो गए, खा भी लिया, मस्त हो गया इसका वाटरमेलन। थोड़ा बनाना भी खा लिया विवान, अभी फुल रेडी, बाल भी झाड़ लिए अच्छे बच्चे की तरह, कितने क्यूट बॉय लग रहे हैं। और क्या कर लिया? और भूख लग रही है। और भूख लग रही है। तो विवान के बनाना है, बनाना खा रहे, लेट हो रहा, और स्कूल में भी टिफिन रखा है, तो उसमें भी खाना है, फिर आके भी खाना है, तो अभी थोड़ा खा लो। वेरी गुड, चलो चलो जाते हैं, इसको स्कूल छोड़ के आते हैं। विमान को छोड़ के आ गए, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और आज विमान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो आज का सरप्राइज नहीं, वो पिछले 4-5 महीने से बोल रहा है कि डैडी मामा मुझे ये चाहिए ये चाहिए। और कल रात में भी उसने एक बहुत अच्छा डांस करके दिखाया, गजानना गजानना पे, जो इसको स्कूल में सिखाया गया। रात में करीब कितना 10:30-11 बजे एलेक्सा पे हम लोग ने वो भजन बजाया, वो गाना बजाया, और उसने बहुत अच्छा डांस किया। मैंने अपने फैमिली ग्रुप में और भेजा है सब, बहुत यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ यहाँ दिखा देखें। हाँ, वो एक क्लिप डाल देना छोटा सा 30 सेकंड का। ठीक है, मैं वो क्लिप डाल दे रहा हूँ जस्ट अभी, पहले आप इसको देख लो फिर मैं बात करता हूँ। Thank you.
तो ये देखिए कितना अच्छा डांस किया है वो। तो ये डांस पे हम इमोशनल हो गए, इमोशन पे हमने उसे वादा कर दिया कि बाबू तुम्हें क्या चाहिए। तो यही होता है ना, खुशी में इंसान वादा कर देता है और दुख में इंसान फैसला ले लेता है जो कभी कभी नहीं सही होता, बट ये खुशी ऐसी थी। और बच्चा अभी क्या मांगेगा, बहुत ज़्यादा तुमसे क्या मांगेगा, वो कुछ खिलौने मांगेगा, कुछ खाने के लिए मांगेगा। तो वही हम लोगों ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा डांस किया है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बोला डैडी मम्मा मुझे ट्रेन चाहिए। तो वो जो ट्रेन होता है ना, ट्रैक बना रहता है, ट्रेन चलता है। तो अवंतिका ने तुरंत उसे रात में ही ऑर्डर किया और नेक्स्ट डे अमेजोन से आना था और आज वो आ गया। हम लोग उसको स्कूल से छोड़ के आए, अमेजोन से वो पार्सल आ गया। अभी वो 11:30-12 बजे तक आएगा। वो मुझे पता है बहुत एक्साइटेड है, रहेगा उस चीज़ के लिए, बहुत खुश रहेगा। तो मैं देखिए ये दिखाता हूँ, ये देखिए ये ट्रेन का पूरा सेट है। ये ट्रैक है, उसके इंजन है, देन उसकी बोगियाँ हैं, ये ब्रिज, ये ब्रिज क्या बोलते हैं वो बना, ब्रिज तो नहीं है, क्या बोलते हैं इसे, हाँ ये ब्रिज है, साथ में साइड में पेड़ ओड़ रहता है वो है, सब 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 चीज़, ये पूरा सेट है। गलती, एक गलती हो गई ऑर्डर करते थे मैं, वो ऑर्डर क्वांटिटी गलती से 2 सेलेक्ट हो गया था। तो बट ठीक है, 2 आ गया है, हमारे घर में 2 बच्चे हैं, तो एक ये विमान के लिए हो जाएगा और हम लोग जल्दी लखनऊ जाने वाले हैं। तो एक दूसरा बच्चा है श्रेष्ठ, मेरे भाई का लड़का है, एक उसके लिए हो जाएगा। तो 2 भाई के लिए सेम चीज़। तो ये देखिए 2 आ गया है, एक ये है और एक ये है, सेम आइटम है। तो ये अच्छा हो गया, तो एक शेष के लिए हो जाएगा और एक विमान के लिए। ये अभी हम लोग रख देंगे, इसको अलमीरा में डाल देंगे, नहीं तो वो कहेगा दोनों खोलना है और एक एक कोई ओपन करेंगे। तो जब जब आता है, जब वो आएगा तब उसे हम लोग देंगे, हाँ उसी से अनबॉक्सिंग कराएंगे, उसको देंगे उसी से अनबॉक्सिंग कराएंगे, फिर हम लोग साथ में उसको लगाएंगे। देखता हूँ कितना एक्साइटेड रहता है इस चीज़ के लिए, मुझे पता है एक्साइटेड तो बहुत है वो। ट्रेन, ये सब चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं उसको बहुत पसंद है, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, गार्बेज ट्रक, टेम्पो, ऑटो, वैन, ये सब चीज़ें को बहुत फैंटेसाइज करता है। तो ये तो अब उसका पूरा हो गया, आई थिंक एरोप्लेन भी हो गया, बस भी हो गया, ट्रक भी हो गया, गार्बेज ट्रक भी, ऑटो, टेम्पो, सब कुछ हो गया, बस ट्रेन बचा था। तो उसका JCB भी हो गया भाई, एक्सकेवेटर, JCB, रोड रोलर भी हो गया, आप जो बोलो उसको उसके पास वो है ट्रांसपोर्ट में। तो अभी सब हो गया, बस ट्रेन बचा था और एक अच्छा सा अभी ट्रेन उसके पास आ गया है। तो अभी मैं जाता हूँ उसको लेने, उसको लेके आता हूँ और मैं आपको उसका रिएक्शन दिखाता हूँ और प्लस ये भी दिखाता हूँ इसको अनबॉक्सिंग करने पे इसको इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे चलता है। इसमें सुने हैं कि अवंतिका बताई कि हॉर्न की भी आवाज़ आती है, चलने की भी आवाज़ आती है, तो वो सब एक्सपीरियंस करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो तो उसको तो अभी पता नहीं, लेकिन मुझे पता है तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं उसको फटाफट लेके आता हूँ, फिर उसका रिएक्शन देखते हैं इस पर। Surprise for Vivan. Where is the surprise? Find out. Find out. Where is the surprise? Where is the surprise? Where is the surprise? क्या है ये? कैसा है? बाबू को अच्छा लगा? बाबू हैप्पी है? अभी हम लोग क्या करेंगे? Open. But पहले क्या करना है, कपड़े चेंज करने, हैंड वॉश लेग वॉश करना, राइट? फिर वी विल ओपन, यस, पहले हैंड वॉश लेग वॉश करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो रिमूव योर दिस आई कार्ड, ओके, सॉक्स, यस, पैंट, जीन्स, रिमूव रिमूव वन बाय वन, टी शर्ट रहने दें, ठीक है, हैंड पैंट भी रहने, चलो अभी फिर ठीक है, अभी आप हैंड वॉश लेग वॉश करो, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको ओपन करेंगे, आप करके आओ, ठीक है। विवान इज रेडी, आई एम ऑल्सो रेडी, ओके, चलो लेट्स अनबॉक्स दिस, अनबॉक्स दिस, चलो क्या कहेंगे, थोड़ा सा पीछे इधर करो, बस कहाँ से ओपन होगा, ओके, दिस इज द सेकंड पैनल, अभी यार अभी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा इसे।
ये ट्रेन का पूरा मैंने असेंबल तो कर दिया है, पूरा अच्छे से असेंबल कर दिया है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बैटरी कहाँ लगती है, वो देखना पड़ेगा। बेटा एक मिनट देना जरा, देखें कि बैटरी लगती है क्या कहीं, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, ब्रेक पार्ट द शेल कैरियर इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो एंड टेक द बॉटम अपवर्ड, इंस्टॉल टू बैटरी। ओके ओके ओके, ब्रेक पार्ट द शेल डायरेक्शन टू द एरो अपवर्ड। ओके, ये निकालना पड़ेगा, यहाँ पे बैटरी लगेगी, ये निकालता हूँ बेटा, कोई बैटरी लगानी है इसको, रुको। ट्रेन पूरी असेंबल हो गई है, बहुत अच्छा बन गया है, ये देखिए ट्रेन अपने आप चल रही है, और विमान काफी खुश हो गया था ना, विमान बहुत अच्छा लग रहा है ना, और ये पूरी ट्रेन बैटरी न्यू बैटरी डाली है, और ये मस्त चल रहा है और आवाज भी कर रहा है ट्रेन जैसे। अब अगर इसको टर्न करना है, नहीं किससे होगा, नहीं तो इधर वाला घुमाना पड़ेगा शायद, अगर इस ट्रैक पे ले जाना है तो ये ऐसे कर देंगे शायद, इस राउंड वाले ट्रैक पे चले जाओ, ट्रैक चेंज, अब ये राउंड राउंड करेगा, फिर इसको लाके फिर इसको इधर चलाते हैं, ठीक है, इसको बंद कर देंगे। वाह, इट्स वर्किंग, चलो एंजॉय करो अपनी ट्रेन, चलाओ ट्रेन में सामान रखो। दोपहर में खेलने के बाद खाना पीना खा के सो गए थे, उसके बाद खेलते रहे, रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिला। अभी अवंतिका ऑफिस से आई है, तो अवंतिका वो फर्स्ट टाइम देख रही है इसे, तो वो भी उसके साथ खेलने लगी, बाबू भी दोबारा खेलने लगा, तो आज दिन भर यही चल रहा है, क्योंकि नए खिलौने का सबको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक्साइटमेंट जैसे विमान को था उसको वैसे मुझे भी था, वैसे अवंतिका को भी था, ऑफिस में भी वही सोच रही थी कब जाएंगे तो खेलेंगे, और वो मज़ा आ रहा है यार खेलने में, उसका ट्रैक चेंज करने में। गिर क्यों गया? नहीं नहीं, ये इधर थे, तो ये कर दोगी तो ये इधर को चलाएगा। हाँ, नहीं सही से लगाओ, सही से लगाओ, तुम सारे पहिए जब लगाओगे ना सही से चलेगा। हाँ, अब सही से लगा है, इसका ट्रैक मुड़ जाता है उधर का, तो फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें। हाँ, वो फर्क पड़ेगा, ये देखो मोड़ दिया बाबू, नहीं तो वो इधर को आता तो वो इधर को मोड़ दिया, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, पीछे थोड़ा ना आएगा, उसका रास्ता वही है, अब देखो सीधे आ जाएगा। अबे तुमने कर दिया, अब सीधे आएगा, अब ब्रिज के नीचे से जाएगा। वाह, सामान गिर गया भाई, ये अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, देखो बस मेरा भी एक पार्सल है बाबू, बोले डैडी वाला पार्सल उठाओ, डैडी पार्सल देखे जरा डैडी का, मेरा भी एक पार्सल आया है, जो कल मैं यूज करने वाली हूं, कल उनका, हां मीठा कुछ ले जाएंगे, वो हां ये बॉक्स ले आओ, मेरा भाई टिफिन मंगाया था, मैंने टिफिन पिछले एक साल से कंफर्म नहीं हो रहा था कौन सा टिफिन ले जाना है, तभी मैं अमेज़न पे सर्च करके कुछ मंगाया बढ़िया। अच्छा हां, उसको हटा दो डैडी, उसको हटा दो, किसको, अबे गिर गया, सर गिर गया, ये देखो कहाँ गई आपकी ट्रेन, अबे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये देखो इरफान खान प्रेजेंट्स लंच बॉक्स, द ग्रेट इरफान खान, लेजेंड भी नहीं, लेजेंड भाई नहीं होके भी हैं हमारे साथ इरफान भाई। चलो ये न्यू टिफिन बॉक्स, ये ऐसे ही ले जाएंगे, इसके लिए तो कोई बैग की भी जरूरत नहीं, स्पिल होगा तो देखा जाएगा यार, स्पिल नहीं होना चाहिए आजकल के टिफिन में, अच्छा है ये वैक्यूम के लिए बना, मतलब हवा वो ना हो जाए, भाप भाप से वो हो जाता है ना, सॉगी हो जाता है, तो उसको ओपन रख सकते हैं, नाइस, चाहिए तो लगाओ नहीं चाहिए तो मत लगाओ। ये देखो स्टील का चाहिए था, प्लास्टिक मुझे नहीं चाहिए था, स्टील का चाहिए था, ये स्टील का मिल गया, बाकी बॉडी प्लास्टिक के रहे वो चलेगा,
और ये स्टील का ये से निकाला यार, ये देखो नीचे वाला जो पोर्शन है वो रोटी का है, इसमें सब्जी सैलेड रख सकते हैं, सैलेड का भी हो गया और नीचे रोटी रख लो, राइस रख लो, अभी दाल का पंगा फंसेगा। तो दाल के लेग से बोल में ले जाएंगे कौन सा डेली दाल ले जाते हैं, दाल का लेग से। तो आपको क्या करना है, इसी में खाना होना है, इसको माँच के धुल के रखना है, फिर ऐसे यूज करना है। ये मेरा टिफिन हो गया रेडी, हमारा कल मैं ले जाऊं हमारा ये लेकिन लगी है कैसे ये इसमें लगी है शायद। हाँ अच्छा ओके, काफी मेहनत करने के बाद इसका ये ऊपर का जो हैंडल है वो लगा, अभी ये फुल रेडी हो गया, अभी ये फुल रेडी। हाँ सही कर दे रहे बेटा, ये मेरा टिफिन रेडी हो गया, अब मंडे से ऑफिस में इस टिफिन में ले जाऊंगा, कल अवंतिका का डे है तो कल अवंतिका ले जाएगी, तो 3 दिन में ले जाऊंगा, 2 दिन वो ले जाएगा, उसको सही कर दे। ठीक है, विमान का ट्रेन खराब हो गया, मैं फटाफट ट्रेन सही करता हूँ और उसके बाद खेलते हैं, क्योंकि ये तो रात भर चलने वाला है, लेकिन ब्लॉग रात भर नहीं कर सकता हूँ मैं, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट करो यार, ऐसे करके चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, खेलते कूदते रहेंगे, है ना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय श्री राम।